नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों मेरे पास में एक मैडम का आज मुझे ईमेल आया जिसमें कि उन्होंने मुझे बताया, सर मेरे पास में हेलो लोन एप्लीकेशन का मैसेज आया है कि आप इमीडिएटली भुगतान कीजिए, अगर आप भुगतान नहीं करते हैं आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जब मैडम ने पूछा कि कानूनी कार्यवाही आप किस टाइप की करेंगे, तो उसने स्पष्ट रूप से क्लियर कहा कि अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपका इंस्टेंटली हम लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे और 700 कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी आपकी है हम उस पर पूरे तरीके से आपकी जो तस्वीरें हैं वो भेजेंगे और उसमें क्लियर कट कहेंगे कि आप फ्रॉड हैं, आप चोर हैं, आप हमारी कंपनी के साथ में पूरी तरीके से 420 कर चुकी हैं। मैडम पूरे तरीके से घबरा गई, डर गई, उनके माइंड में एक पूरे तरीके से टेंशन बन गई। गाइज मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन बैंक से लोन लिया है किसी भी प्रकार का, देखिए अगर आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए, वो आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको लेकर के उन्हें वायरल करे, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित करे, आपको बहुत ज़्यादा हरास करे, ये पूरे तरीके से गैरकानूनी है। अगर इस प्रकार का कोई भी बैंक NBFC या लोन एप्लीकेशन हरकत करती है आप इंस्टेंटली उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को सूचना दीजिए, साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट कीजिए, इमीडिएटली एक्शन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि मैंने आपको क्लियरली बताया है उस वीडियो में कि किस तरीके से इनके ऊपर ED एक्शंस ले रही है और ED पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। पिछले 2 सालों से लगातार ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन आपको इसी प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, इसी प्रकार से डरा रही है, लेकिन इन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं है। लेकिन जब लोगों ने पूरे तरीके से इन पर एक्शंस लेने शुरू किए, लोगों ने इनके ऊपर FIR डालनी शुरू की, उसके बाद में इन पर 100% एक्शन होना शुरू हो गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आप फेक लोन एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो सकती हैं, NBFC से रजिस्टर्ड हो सकती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं जो कि अपना बैंक और NBFC का नाम शो नहीं करती, लेकिन वह होती NBFC से ऑथराइज हैं, और जब पूरे तरीके से उनकी फंसने की बारी आती है तो वह अपनी NBFC का नाम दिखाती नहीं है, राइट? और जब वसूली करनी होती है उन्हें अपनी NBFC का नाम दिखा देती हैं। तो दोस्तों फेक मोबाइल लोन एप्लीकेशन तो फेक ही है जो पूरे तरीके से NBFC से ऑथराइज नहीं है, और ख़ास करके जो ऐसा काम करती हैं जो कि आपको 7 दिन और 15 दिन का लोन आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पे देती हैं, इनसे तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन वाला आपको इस प्रकार की धमकी देता है कि हम आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे, आप इंस्टेंटली उसकी कंप्लेंट करें, किसी भी तरीके से उससे डरने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से उससे घबराने की जरूरत। इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही, लगातार इन पर एक्शंस पर एक्शन हो रहे हैं, लगातार गवर्नमेंट इन पर एक्शन ले रही है, लगातार इनकी कंप्लेंट हो रही है, लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ आप इंस्टेंटली कंप्लेंट दर्ज कराइए। अगर आपकी कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे ट्विटर अकाउंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में।